नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक ये रोक लगाई गई है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठनों पर हलफनामा भी मांगा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये जिक्र कर रहा है, हम सस्पेंड भी कर सकते हैं कानून। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अब रोक लगा दी है। अगले आदेश तक ये रोक लगाई गई है। इस कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे, जिनके नाम है भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पर हलफनामा भी मांगा है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चली आ रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल अमल पर अब रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुना दिया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।